मिनिस्टर, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, पर बिहार चुनाव के नतीजों के ऊपर बारीकी से बात करने के लिए तमाम मीडिया चैनल बैठा हुआ है, पर इस बारीकी से आई हर एक जीत के पहलुओं पर अब हर किसी पर ढीगरा फोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो चैनल भी और वो लोग भी जो कल तक अपनी जीत का डंका बजवा रहे थे एग्जिट पोल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महागठबंधन की, क्योंकि गठबंधन की हार के बाद अब बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है और बलि का बकरा एक बार फिर से बने हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि सीमांचल में 5 सीटें जीतने में कामयाब हो पाए हैं। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए अरशद अशरफी मौजूद हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, हर जगह अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। अरशद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की 5 सीटें सीमांचल में आई हैं, तब से कुछ मीडिया चैनल वाले बुरी तरीके से बौखला गए हैं और कुछ लोग जिनकी या तो यूं कहें कि घर में ही कोई नहीं सुनता होगा, वो भी एक चैनल पर बैठ करके बड़ी बड़ी बकैती कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि ओवैसी साहब को जिन्ना, वोट कटवा, ना जाने क्या क्या गालियां दी जा रही। सबसे पहले तो शुक्रिया नदीम भाई, आपने आपने न्यूज चैनल पे बुलाया। और बताता चलूं कि ये जो ओवैसी साहब हमारे कायद के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं, जिन्ना कह रहे हैं और बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, ये अक्सर वे वही लोग हैं जो आरएसएस और नथुराम गोडसे की नजायज औलादों के टुकड़ों पे पलते हैं। इनका काम धंधा जो है एकदम बंद होने वाला, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक के साथ रहती है। सीमांचल की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना रहबर है, क्योंकि पिछले 72-73 से सीमांचल के अंदर जिस तरीके से हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के पिछड़े सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग कोई पाया जाता है तो वो है सीमांचल। और आप ये वही लोग हैं मेरे भाई नदीम भाई, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टैटू को छपा के गाली खाने के बाद भी ये लोग वही टैटू रखते हैं और ये आरएसएस के टुकड़ों पे पलते हैं, हकीकत है। और ये जो कांग्रेस वाले फुदक रहे हैं, बहुत सारे उनको बोलते हैं जैसे खुजली वाले कुत्ते, जैसे खुजली के कुत्ते होते हैं ना जिसको खुजली हो जाती है, तो इस तरीके से ये मंडरा रहे हैं। इनकी कोई औकात नहीं है, ये नथुराम गोडसे के नजायज औलाद के टुकड़ों पे पड़ने वाले हैं, इनका धंधा बंद हो रहा है, इसलिए लोग अपनी ऑल फॉल बके जा रहे हैं। हमारे कायद ने कहा है कि हम किसी जो हमें गाली बकता है हम उसे गाली नहीं बकेंगे, हम उसे मोहब्बतों से नवाजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। इसी के साथ साथ कई सारे सवाल उठते हैं, कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह हैं वो भी आरोप लगाते हैं कि आखिरकार वोट कटवा रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, 22 सीटों पर चुनाव लड़ा एआईएमआईएम ने बिहार में, 22 सीटों में से लगभग 15 सीटों पर जमानतें जब्त हुई, 5 सीटों पर जीत आई, तो ये आखिरकार आखर क्यों रही है? साहब मैं तो कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या हम लोग लड़ने गए थे एमपी के इलेक्शन में? उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़े थे या और कहीं इलाकों में लड़े थे? तब भी तो भारतीय जनता पार्टी पर जो जुल्म सितम करा है, झूठे मुकदमे हो, झूठे फिसादात हो और बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह कराई है, हमारी माँ बहनों की इज्जतों से लेके रेजिया कराई है, तो सबसे अहम रोल जो रहा है वो कांग्रेस का है। अब तो इनका दुकान हो गया है बंद, अब ना यही है कि हम मुसलमानों ने इनका लाज रखा है हर जगह, एमपी के इलेक्शन में भी इनका लाज रखा था, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अन्य कोई जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमा बनती है। सबसे अहम चीज ये बताऊं, जो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा इसी न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, आप मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आप देखा होगा आपने कि राम जन्मभूमि की स्थापना हुई और पूजा करा गया था, तो हिंदुस्तान के अंदर तमाम रियासतों में किस तरीके से कांग्रेस वाले उछल उछल के खुशियां मना रहे थे और कह रहे थे कि राजीव गांधी जी का सपना। आप एक बात बताइए, किसी मुस्लिम कम्युनिटी को ठेस पहुंचा के और मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा बन के आप चोट पहुंचा रहे हैं, क्या आपकी यही स्ट्रेटजी है, आप यही पॉलिटिकल आपका प्रोटोकॉल है? आप, मैं यही जानता हूं कि बीजेपी और आरएसएस की कोई माँ है वो कांग्रेस है। क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा कि
एक बड़े शायर को सीमांचल में उतार दिया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को? क्योंकि जो जो लांछन लगाया गया, यहाँ तक कि ओवैसी का बायकॉट करने की भी मुहिम चला दी गई थी। साहब जिस शायर की आप बात कर रहे हैं वो एक शायर नहीं है, वो चंद पैसों में बिकने वाला दो कौड़े का एक गवैया। जिस शायर की आप बात कर रहे हैं वो चंद पैसों में बिकने वाला दो कौड़े का गवैया है। इसको जहां ये वही शख्सियत है कि कुछ साल पहले अकबर साहब के ऊपर नज्म पढ़ रहा था और अपने फॉलोवर्स बटोर रहा था, आज इसको मतलब बोलते हैं ना कि एक जिसको हड्डी फेंकने वाले को, हड्डी जो फेंकते हैं उसको लोकने वाले को क्या बोलते हैं, मैं कहूंगा नहीं खुल के आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये वही है, जहाँ हड्डी इसको मिलती है ये वही पहुंच जाते हैं और वही बुराई करने लगते हैं। हकीकत यही बात है कि इनकी खुद की औकात, इनकी मेरे ख्याल से मुरादाबाद में इलेक्शन लड़े थे, इनकी औकात पता चल गई है। ये शायर वायर नहीं है भाई साहब, आप लोग इन्होंने इनको फेमस कर रखा है, इनको इग्नोर करिए तो ज्यादा बेटर। क्योंकि ये देख रहे इग्नोर कर रहा है, बट एक चीज मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आज जब 5 सीटें सीमांचल में निकल गई हैं तो मुस्लिम चेहरे ही प्लेटफॉर्म पर बैठ करके खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का करेक्टर एसोसिएशन करने में लगे हैं, और यही लोग इससे पहले दावा कर रहे थे कि बिहार की जनता मायावती को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बुरी तरीके से नकार चुकी है। साहब ये जो टीवी चैनलों पे कुछ मुस्लिम नुमाइंदे बैठते हैं टोपी पहन के, क्योंकि कोई गरीब नवाज फाउंडेशन चला रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन जो हमारे खिताब है, तो सब समझ लीजिए एक तरीके से चोर हैं। कुछ भी मुद्दा आता है ये हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए बैठ जाते हैं और 5,000-5,000 रुपए में डिबेट करने के लिए जाते हैं और वहां से गाली भी सुन के आते हैं, जहां तक ये चप्पल भी खा के आते हैं सब देखते हैं। तो इनकी कोई औकात नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कुछ बोले, क्योंकि ये खुद दो कौड़ी के इंसान है। आरएसएस के टुकड़ों पे पलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पे पलते हैं, कांग्रेस के टुकड़ों पे पलते हैं। क्योंकि अगर ये ओवैसी साहब के खिलाफ और हमारी जमात के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ठंडा है इनका जो खर्चा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। जी एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे और ये पूछना चाहूंगा, जो लोगों की घर में कोई नहीं सुनता आज वो भी एक चैनल के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके ये दावा कर रहे हैं कि ओवैसी साहब जिन्ना है और ये भाजपा को जिताने के लिए इन्होंने अहम योगदान निभाया, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? साहब अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे टिकटॉक चल रहा था, टिकटॉक में एक क्या बोलते हैं चप्पल सिलने वाला भी फेमस हो जा रहा था। तो ये वही दो कौड़ी के इंसान है जिनके पास कुछ नहीं है फेमस होने के लिए, ये लोग ओवैसी साहब को बुरा बोलते हैं क्योंकि इनकी पहचान कुछ नहीं है ना, किसी हिंदुस्तान के मर्द मुजाहिद को ये टारगेट करते हैं। तो इनका मुखालफतें जो है, जो बीजेपी के चमचे हैं, जो कांग्रेस के चमचे हैं, तो इनको सर पे बिठा लेते हैं। तो ये वही टुच्चे मुच्चे जो है छोटे मोटे चैनलों पर बैठ के अपनी बात को बढ़ावा देते हैं, ओवैसी साहब को गलत कहते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है मेरे कायद के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास किसी चीज की कमी नहीं है, मगर हिंदुस्तान के आवाम के लिए, हिंदुस्तान के गरीब मजलूमों के लिए हक की आवाज कोई बुलंद करता है इस वक्त भी पार्लियामेंट में, तो वाहिद एक शख्सियत हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब।